नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला मऊ का बताया जा रहा है, जहां पर सीएए और एनआरसी को लेकर जमकर तोड़फोड़ की गई है। प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बस पर पथराव किया है। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। इस दौरान फायरिंग की आवाज भी सुनाई पड़ी है, लेकिन अंधेरा होने के चलते पता नहीं चल सका कि फायरिंग कौन कर रहा है। अंधेरा था, इस वजह से ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि फायरिंग किस तरफ से की जा रही है। पब्लिक की तरफ से ये फायर किया गया है या पुलिस की तरफ, या बस के शीशे टूटे हैं। पूरा मामला जो है मिर्ज हाजीपुरा क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये देखिए मऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से बसों पर पत्थर फेंके गए हैं। पुलिस जो है सभी जगह अलर्ट पर है, क्योंकि देश के कोने कोने से इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। सीएए और एनआरसी को लेकर बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला मऊ का है, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से आगजनी की गई है, बसेस पे पथराव किए गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और विरोध को रोकने की कोशिश की जाती है। जो हुड़दंगी होते हैं वो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, और ऐसे में जो इस तरह की तस्वीर होती है वो और भी दंगा भड़काने का काम करती हैं। तो पुलिस जो है वो पूरी तरह से सतर्क है, और प्रदर्शनकारियों के ऊपर काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े।